बाबू गाइस वेलकम बैक न्यू ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग और आई होप आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अपनों से प्यार कीजिए और खुशियां बांटिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। चले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सेम टाइम सेम चीज़ें चाय वाय सॉरी ब्रश वर्क किचन में आ गई। अभी गर्म पानी बिठाया है, गर्म पानी पीऊँगी। उससे पहले मैंने चाय बिठा दी क्योंकि मम्मी पापा ने ब्रश कर चुके हैं, उनको चाय देनी है। और क्या चीज़ आपकी मेरी चाय दिखाती हूँ, ये देखिए मज़ेदार मज़ेदार कड़क और मस्त चाय। अब मौसम भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, अब लग रहा है कि विंटर धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब सुबह का टाइम थोड़ा सा है और सुबह का टाइम और थोड़ा सा रात के टाइम थोड़ा सा लगता है और दिन में उतना नहीं लगता है। अब तो धूप लगने लगी, बड़ा ही कड़क धूप लगती है। बाहर का वेदर कितना साफ़ है, कितना क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है और देखिए कितना धूप आ गया है, धूप बहुत है। मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, सारे कपड़े सूख रहे हैं। इधर इधर बाबू का है और धूप इतना है ना, देखने को मन नहीं कर रहा, धूप है बहुत। मम्मी जी और मैं यहाँ पे बाहर धूप सेकते हुए, धूप अच्छी लगी ना मम्मी जी, मम्मी और मैं यहाँ पे धूप सेकते हुए, दोनों का कुछ काम नहीं है, यही है इधर भटको उधर भटको बालकनी में। अब तो दादा और पोता को देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज का खाना बनेगा बैगन का भरता मटर डाल के और फूलगोभी की सब्जी बनाऊंगी और रोटी। और लड्डू के पापा आज सुबह सुबह चले गए क्योंकि उनका कुछ मीटिंग था, तो वहीं पे उनका लंच होगा। ये हमारे लिए बन रहा है, रात को भी हो जाएगा। दादा गए लोग, ओ ये देखिए दादा पोता को, दोनों सो गए हैं। घुड़ 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 आवाज़ निकल रहा है दादा पोते का, खूब नींद मार रहे हैं दोनों, प्यार से सो गए हैं। चलो अच्छी बात है। ये शाम का नाश्ता चूड़ा भूज रही हूँ, थोड़ा सा प्याज डाल के अच्छा लगता है। और ये हमारी तड़कता फड़कता शाम की चाय, आपको मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है। देखो शाम के चाय में थोड़ा सा चाय हम आजकल मम्मी से बैठ के साथ में पीने लगे हैं और कल से तो जाना है ऑफिस और मैं कैसे जाऊँगी किसी को छोड़ के, ये सोच रही हूँ, मन नहीं लग रहा अभी से, थोड़ा सा बेचैनी सा है। लड्डू किचू मेरा निन्नू निन्नू हो गया बाबू का निन्नू निन्नू, खूब दादी के बेड में सो रहे हो, नहीं दादी के बेड से काफी मोह है इसको, बहुत प्यार है दादी के बेड से, दादी के बेड में तुरंत नींद आ जाती है ना। हाँ हाँ लड्डू अल्लाह मेरा छोना, यहाँ पे दादा दादी बैठे हैं तो इसको यहीं पे ज़्यादा मज़ा आता है। और लड्डू भी, लड्डू बोल रहे गोला भी आ गए, इनका ट्रेनिंग था आज तो हमारे लड्डू का, लड्डू के पापा के प्रमोशन हो गया है। पार्टी कब दोगे? प्रमोशन हो गया मेरे हबी का। और क्या लेके आए हैं, ये सब लेके आए हैं फ्रूट वगैरह मम्मी पापा के लिए, मिक्सचर बिस्किट सब लेके आए। मैं यहाँ पे मटर छिल रही थी, अब मम्मी को बोली हूँ कि मैं तेल लगा देना मेरे मुड़ी में, मम्मी बोले कि आ जाओ, कब से बोल रही तेल लगा दो तेल लगा दो देती हूँ, तो मैंने कहा आज लगा दो। अब मटर और छिलते हैं, इनको काढ़ा देते हैं मम्मी और गोला को काढ़ा देंगे। तो लड्डू का भी तबीयत ठीक नहीं था और मेरा कल जॉइनिंग थी ऑफिस की और मुझे जाने का एकदम मन भी नहीं था, उसका तबीयत ठीक नहीं था।
और दादी तो देख लेंगे, पर वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने को छुट्टी लेना पड़ा। तो अच्छा है कि छुट्टी मिल गया मेरे को, तो उन्होंने कहा ठीक है आप परसों से ज्वाइन कर लेना, तो थोड़ा उसको देखभाल सही से हो जाएगा, क्यों दादी तो देख लेंगी पर उसको माँ चाहिए, वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है। तो मेरे को थोड़ा एक दिन का छुट्टी लेना पड़ा, फिर से बढ़ाना पड़ा। क्या करें आप, माँ है, माँ का मन नहीं मानता है। आज का शेड्यूल यही रहा। यहाँ पे मम्मी पापा और लड्डू के पापा के लिए काढ़ा बन रहा है। सर्दी में काढ़ा मोस्ट पीना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम से काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ये काढ़ा देखिए, इसमें गुड़ है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है और हल्दी है, दालचीनी है, ये सब डाल के कूट के अच्छा से बनाया गया। तुलसी वुलसी डाल सकते हैं, काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। और मम्मी जी बहुत खांसती थी तो उनके लिए काफ़ी आराम मिला इससे। लो पापा, लो मम्मी, काढ़ा लो। ये आपका है, ये पापा का, थोड़ा सा ही दिए हैं, ये लो काढ़ा। तुम हमको टालो मत, पार्टी कब दोगे पहले बताओ। जॉब ले लो, अभी तो बोले थे कि जब सैलरी आएंगे तब। 9 तारीख को तो मुझे स्पेशल ही होगा, अभी तो थोड़ी है, है ना मम्मी, पार्टी लेना है ना। हाँ पापा, कन्हैया आओ इधर देखे, बढ़िया लगा था जैकेट सच में, रंगीन हुआ हो तो अच्छा लगा था। कभी कभी चेंज हो ही पड़ी ना, कभी कभी पूरा सारा जीवन भर वही धोती कुर्ता पहनेंगे, कभी कभी जैकेट पहन लो, मेरे पास रहोगे तो आप क्या कहते हैं जींस पैंट पहना देंगे। का है, अरे आपने ना अचानक पहने हो ना तो आपको अजीब लग रहा है, आदत हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। देखो है ना, देखो चेहरा दिखाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो पापा हीरो हैं। हाँ तू जॉन बना था हमरा के। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है सच में। आइए देखो इनका दादा का हीरो दूसरा। सब खा रहा है। अली मेरा छोनिया, अली मेरा लड्डू, बाबू मेरा, बाबू मेरा छोना मुन्ना, छोना मुन्ना लड्डू लड्डू का हाँ जैकेट ना बोवा के पास। हाँ 5-6 को है। पे खाना लग गया है, रात का डिनर। यहाँ पे गोला बैठ गए हैं, इधर मम्मी इधर पापा खाना खा रहे हैं। बैगन का भरता है, फूलगोभी, आलू का सब्जी, प्याज, अचार, मस्त छौंका मारा हुआ दाल, अरड़ का दाल है। खाना ठीक लग रहा है, टेस्टी है, जबरदस्त। चलो खाओ, सब लोग खाना खा रहे हैं। मेरा, मैं भी खाना खाने वाली थी, बड़े ये हमारे महाराज जी उठ गए हैं। ये देखिए इसको, इसको जरा देखिए हमारे महाराज को। को बाबू अभी तुरंत सोए थे, तुरंत उठ गए। तो गाइस अब चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आजकल छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ मैं। आप लोग देखते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप हमारे किसी को बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और अपना टाइम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मैं एक होता है ना, आप अगर एक भी लाइक करते हैं तो हमें ना और कुछ करें और कुछ करें ऐसा होता है, मन होता है कि हाँ भाई हमें भी कोई है पसंद करने। अब तो हम लोग फैमिली बन गए हैं, तो ये तो हो गई, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। चलिए
आज का अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, क्योंकि ये फैमिली वीडियो है, आप भी शेयर कर सकते हैं। अगर छोटा मोटे बातें आपको अच्छी लगती हो हमारी फैमिली की, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फिर से कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो। चलो मम्मी बाय बोलो।